नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप यदि आपने गिल की तरु की खेती किया है तो उसका उत्पादन क्षमता बढ़ा के जो अपनी इनकम ऑफ सोर्स है जो आय है उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसको हमने अप्लाई किया जिसका हमें बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखने को मिल रही है। ये जो आप गिलकी का खेत देख रहे हैं, पौधा देख रहे हैं, ये लगभग 3 से 4 महीना पुराना हो चुका है। ऐसे में जो इनका बढ़ने का प्रक्रिया है दोस्तों वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। और इसी तरह से जो तो ऐसी कौन कौन सी उपाय है जिन्होंने हमने तरु की खेती पर अप्लाई किया है जिसे आप भी करके बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं तरु या जो नारवर्गीय सब्जी होती है उनमें 3G कटिंग के विषय में। तो आप भी जो पौधे हैं दोस्तों उसका 3G कटिंग कर सकते हैं। इसको दोस्तों जो 3G कटिंग की प्रक्रिया है उनको हमने लगभग 2 से 3 महीने पूर्व ही जो प्रक्रिया है उसको अप्लाई कर दिया था, जिसके कारण जो हमें रिजल्ट है अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छी जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। चूँकि सभी पौधे में लगभग 8 से 10 और कभी कभी 10 से 15 ऐसे फल की जो संख्या है वो देखने को मिल रहा है जो कि किसान के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बात करेंगे दोस्तों कैसे आप जो तरुई है गिलके उनकी 3G कटिंग करके बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की फर्टिलाइज़र या कोई भी खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ आपको जो गिलकी का पौधा है वो लगभग 2 से 1.5 से 2 महीने पुराना होना चाहिए, साथ में उनमें लगभग 3 से 4 शाखाएँ निकली होनी चाहिए और आपको एक पौधे का सिर्फ 1 से 2 ही जो शाखा है दोस्तों उनकी 3G कटिंग करनी होती है। बाकी 2 शाखा होती हैं उनको शाखाएँ होती हैं उनको आपको जैसे है उसी हाल में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप यदि सभी शाखाओं का कटिंग कर देते हैं ऐसे में फलों का वृद्धि होना जो पौधे हैं उनकी वृद्धि होना बहुत ज़्यादा रुक जाता है। तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे जो प्रक्रिया है उसके विषय में, तो चलिए बताते हैं आपको। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों जो 3G कटिंग है उसको कैसे किया जाए। तो इसको करने के लिए मैं अभी फार्म में हूँ, अपनी फील्ड में हूँ। तो ये देख सकते हैं लौकी जो तरुई है उनकी शाखा है लगभग 5 से 6 फीट की एक लंबी शाखा है। तो इसी में 3G कटिंग की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद दोस्तों कुछ ही दिन में देखने को मिलेगा कि जो तरुई है उनमें फलों और फूल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जो ऊपरी शाखा है लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर दोस्तों आपको कुछ इस तरह से तोड़ के ज़मीन में गिराने देना होता है। आप चाहे किसी औजार का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो फल लगने की जो दूरी है दोस्तों बहुत ही कम हो जाती है। इसको करने के बाद जो फलों की जो दूरी है देख सकते हैं लगभग बहुत ही नज़दीक देखने को आपको मिल जाएगी। तो इसको करके आप बेहतर तरीके से जो उत्पादन है उसको ले सकते हैं। ये एक ऐसी पद्धति है दोस्तों जिसको करने के लिए किसी भी प्रकार के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको ये देखने को मिलेगा जो लगने वाली तरुई की नॉर्मल यदि आप खेती करते हैं तो ऐसे में जो संख्या है उसका 2 से 4 गुना और कभी कभी तो लगभग 10 से 15 गुना भी जो फलों की संख्या उनमें वृद्धि होती है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।